देखिए अभी वेंकटेश अय्यर बैटिंग कर रहे हैं। तो हेलो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आ गए फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा मस्ती करने, घूमने, और रणजी ट्रॉफी हो रहा है वही देखने। तो देखिए अभी चलते हैं, ट्रेन आने ही वाली है हम लोग को, चलते हैं और दिखाते हैं आपको रणजी मैच जो बिहार। और देखिए सुबह सुबह हम लोग आ गए स्टेशन पर। तो अभी देखिए हम लोग आके हैं प्लेटफॉर्म पर और हम लोग को जाना है पटना। पटना में हो रहा है मेडलॉक स्टेडियम में क्रिकेट रणजी ट्रॉफी। तो आज बिहार का मैच है तो हम लोग जा रहे हैं बिहार का सपोर्ट करने। Just a little secret, I didn't hear the sirens, I didn't wanna see the warning signs, and now I pay the price, yeah. Oh, I should've known. It hits me like a tidal wave every time you say my name. It hits me like a tidal wave. स्टेशन पहुंच गए हैं तो देखिए चलते हैं और बाहर का सीन दिखाते हैं अभी। देखिए यही अभी हम लोग पटना जंक्शन पे हैं, अभी इधर गुलाम है। देखिए अभी पहुंचे हैं, अभी जाएंगे और दिखाएंगे आप लोग ब्लॉग में बनाया, देखते रहिए। देखिए गुलाम बेकसूरी आ रहा है तो हम लोग देखिए यही है स्टेशन के बाहर है अभी, यही है पटना जंक्शन, पाटलिपुत्र जंक्शन, पटना जंक्शन है ये, देख लीजिए। अभी हम लोग टेम्पो में बैठ गए हैं, जाने वाले हैं पटना जंक्शन, जाएंगे वहाँ से जाएंगे। तो अभी देखिए अभी हम लोग पटना जंक्शन आ गए। फाइनली गाइस देखिए अभी अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये गोलंबर है और इसी का बगल में है मोइनुल हक स्टेडियम। तो जा रहे हैं बिहार का फुल सपोर्ट करेंगे गाइस, आप भी आइए बिहार का सपोर्ट करिए गाइस। फाइनली हम लोग का गेट मिली है। तो फाइनली फर्स्ट विकेट नहीं, पांचवा विकेट गिरते हुए और गुलाम सब चिल्ला रहे हैं। फाइनली वेंकटेश अय्यर आ गए हैं क्रीज पर। कर रहा यार रन आउट हो जाएगा। होम ग्राउंड में जिक्र नहीं मिला। अभी देखिए वेंकटेश अय्यर खेल रहा है, अभी हम लोग देख रहे हैं। देखिए अभी वेंकटेश अय्यर बैटिंग कर रहे हैं। तो अभी लंच ब्रेक हो गया तो भी निकलते हैं घर के लिए। तो देखिए अभी पूरा स्टेडियम खाली हो गया है, दर्शक सब जाने लगा है और अब हम लोग भी जा रहे हैं। देख लिए मैच देखना था। देखिए यही कुछ ग्राउंड है मोइनुल हक स्टेडियम। लोग के बिना ये असंभव है,
हमारे माननीय मंत्रीगण, हमारे माननीय अध्यक्षों में बिहार और झारखंड के बंटवारे के बाद आधारभूत संरचनाओं के नाम पर नगण्य। सुरेंद्र मेहता जी हमारे समक्ष पधार चुके हैं, मैं चाहूंगी एक बार तालियों के साथ उनका स्वागत व अभिनंदन हम सभी के बीच हो, हमारे समक्ष हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला, हम इसी के लिए थोड़ा देखा है। बिहार का पूरा मंत्री लोग भी आए हैं। तो अभी देखिए पटना जंक्शन में आ गए हैं हम लोग। देखिए 10 मिनट में ट्रेन है, हम लोग चलते हैं। तो देखिए यही है ट्रेन हम लोग का, तो कुछ ही देर में खुलने वाली है। देखिए जाते हैं और मिलते हैं मुजफ्फरपुर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो देखिए गाइस फाइनली अभी हम लोग आ गए मुजफ्फरपुर स्टेशन पर और काफ़ी ट्रेन लेट आया है, एक डेढ़ घंटा लेट है, इसलिए हम लोग का ट्रेन भी छूट गया है। तो नेक्स्ट ट्रेन आने वाली है तो उससे जाएंगे। देखिए मिलते हैं एक जगह चकिया में, तब तक के लिए बाय बाय। तो फाइनली अभी देखिए हम लोग चकिया में आ गए हैं, रात हो गया, सुबह का निकला हुआ। तो देखिए गाइस अभी आ गए हैं चकिया में, अभी चकिया स्टेशन के इधर है। और देखिए सुबह के निकले थे, काफ़ी रात हो गया, बहुत लेट हो गया, तो डायरेक्ट घर निकलते हैं, ब्लॉग इन करते हैं, फिर मिलते हैं लेट ब्लॉग में। तब तक लिए टाटा बाय बाय। बाइक लेके भी आ गया, तो अभी हम लोग जाएंगे घर। देखिए काफ़ी रात हो गया और I can't sleep, yeah. Only miss you.